Assalamualaikum, welcome to my channel and welcome to my vlogs. नए आने वालों को बोलूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी मैं जो रिव्यू दे रही हूँ वो आपको पिलो का दे रही हूँ. ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था और मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी जिनको जो है वो सर्वाइकल इशूज़ है या अगर आपके मसल्स पुल हो जाते हैं और पेन हो जाता है नेक या शोल्डर्स पे तो आप ये वाला पिलो यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत बेहतरीन होता है. इसके अंदर हाइट्स भी आती हैं. मैं थोड़ा हाई वाला यूज़ करती हूँ, ये लो वाली हाइट थी इसके अंदर. तो आप इसको अपने हाइट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप बहुत ऊंचा रखना चाहते हैं तो आप वो ले लीजिए, वरना ये मीडियम और लो हाइट्स में भी मिल जाते हैं. यहाँ पर मैंने ख़रीदे थे क्लिप्स और ये भी मैंने आपको इसलिए दिखाए थे कि जो है ये आराम से आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये स्पेशली उन चीज़ों के लिए होते हैं जैसे हम चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, निमको वगैरह, तो उनके पैकेट्स को जो है बंद करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने जो है वो नाइफ़ ख़रीदी थी, ये भी मैंने आपको पहले दिखाई थी. मैं मज़ीद और लेकर आ गई थी क्योंकि ऑफर में इस तरह की चीज़ें बहुत कम लगती हैं तो मैं इस तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ. साथ ही मैंने ये किचन वाइप ले लिए थे और बाथरूम के वाइप्स से. यहाँ पर बाथरूम हमारे यहाँ दो होते हैं, एक जो होता है वो आप धो सकते हो और एक में मोपिंग करनी पड़ती है. मोपिंग वाले में जो है वो आपको इस तरह के वाइप्स यूज़ करने पड़ जाते हैं कमोड सीट वगैरह साफ़ करने के लिए. साथ ही किचन टॉवल ले लिए थे और बाकी मैंने अपने सामान ले लिया था जो मुझे अपने यूज़ का था. साथ ही मैं तैयारी कर रही थी लंच की, मैं तैयारी कर रही थी और इसके लिए मैंने जो है वो बीफ का सालन बनाया था. 1 kg मैंने बीफ ले लिया था. उसके अंदर मैंने जो है लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर था, हल्दी थी, नमक था और क्वांटिटीज मैंने सब चीज़ों की जो है वो कार्ट लगा दिए है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये मैंने 1 kg बीफ के हिसाब से आपको क्वान्टिटीज़ लिख दी हैं. और ये सालन जो है वो स्पेशली उस वक्त के लिए है जब आपके घर में अचानक से दही या टमाटर ख़त्म हो जाएं तो आप इस तरह का सालन झटपट बना सकते हैं. ये बहुत टेस्टी बनता है. यहाँ पे मैंने सारे साबित गर्म मसाले ले लिए थे. इसके अंदर काली बड़ी इलायची के अलावा बाकी सारे साबित गर्म मसाले गए थे और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज जो है वो काट के इसके अंदर डाल दी थी. ना आपने इसको ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा पतला काटना है. और बाद लोग जो शिकायत करते हैं कि सालन में उनकी प्याज नज़र आती है तो वो ये रेसिपी ज़रूर देखें, उनको दिख जाएगा एंड में सालन की शक्ल के जो है प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आती. जिस तरह से मैं पकाऊंगी उस तरह से ही आपने इसको ट्राई करना है. यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था और साथ ही मैंने इसके गरम मसाला डाल दिया था और 1 tablespoon के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो तेल डाल दिया था. इसको मैंने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए. यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है तो मैंने इसको बाहर ही मैरिनेट करके रख दिया था. अगर आपकी तरफ गर्मी है तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है और अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जल्दी भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है. लेकिन अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि मसालों का अच्छा टेस्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर जो है वो मैरिनेट किया हुआ जो मेरा गोश्त था उसको 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसको जो है 1 cup तेल के अंदर जो है उसको शामिल कर दिया था और 20 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया था इसलिए कि जो गोश्त है वो अपना पानी रिलीज़ कर दे. मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था, आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इस गोश्त को इसके अपने ही पानी में पकाना है. गोश्त ने आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया था. इस टाइम पे मैंने इसके अंदर रोस्टेड क्रश जो हमारा ज़ीरा है वो शामिल कर दिया था 1 tablespoon और 1/2 teaspoon मैंने गरम मसाला मज़ीद शामिल किया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से पका लिया था. और अब जब इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो एवोपरेट हो गया था तो उस वक्त मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए जो है वो लो फ्लेम पे रख दिया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सालन मेरा तैयार हो गया था और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी हरी मिर्चें. आपकी मर्ज़ी, आप इसको सेलेक्ट करके डाल सकते हैं तो आप उस तरह डाल लीजिए अगर आपको स्पाइसी खानी है. मैंने इसको साबुत ही डाल दिया था, मैंने बीच में से इसको नहीं काटा था क्योंकि मैं लाल मिर्चें इनफ यूज़ कर चुकी थी तो मेरे हिसाब से मिर्चें इनफ थी. तो यहाँ पर जो है वो हमने लंच कर लिया था. उसके बाद जी शाम की तैयारी हो रही थी क्योंकि हमने भी मार्केट जाना था, कुछ सामान जो है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उसको भी मैंने समेटना था. तो यहाँ पर जो है वो मैं चाय बना रही थी और हस्बैंड मेरे रोल लेकर आ गए थे. आजकल मैं चाय के अंदर सौंफ शामिल कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी होती है. जिन लोगों को एसिडिटी का या गैस वगैरह का इशू है वो लाजमी इसको यूज़ करें, उनके सारे प्रॉब्लम्स जो स्टमक प्रॉब्लम्स होंगे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे.
यहाँ पर जी हम इंजॉय कर रहे थे स्नैक, और उसके साथ ही जो है वो मैं दूसरी चीज़ें भी निपटा रही थी, क्योंकि आज हमारे इत्तेफाक से शॉप पर जो है वो सब्ज़ियाँ आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड जो है वो लेकर आ गए थे। और अक्सर ऐसा होता है कि सब्ज़ियाँ हमें नहीं मिलती हैं, और जब इस तरह सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं तो मैं इनको इकट्ठा मंगवा लेती हूँ और इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे फ्रीज़ करूँगी आगे आप देखिएगा इसको। यहाँ पर जो है वो मैंने करेलों को, आधे करेलों को जो है वो सिलेक्ट करके छील के उनके बीज निकाल के इस तरह से स्टोर कर लिया था। बाकियों को मैंने इस तरह से बारीक काट के उसको ड्राई कर लिया था उनका पानी, और उसके बाद मैंने इसको जो है वो शॉपर में करके रख लिया था। ये तकरीबन आपके 3 से 4 महीने आराम से स्टोर होकर पकाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने हरा धनिया भी जो है पत्ते उसके इस तरह से निकाल लिए थे, उसको पानी से वॉश आउट करके मैं इसको जो है कपड़े पे फैला देती हूँ। जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं होता तब तक जो है वो मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ। जब पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है तो इसको फ्रीजिंग बैग में डालकर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये अराउंड 6 महीने तक जो है आराम से रह सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। हरा धनिया को आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर का कोई पीला पत्ता या ख़राब पत्ता जो है वो अगर चला जाए उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर एक पत्ता भी ख़राब इसके अंदर शामिल हो जाए तो वो पूरे हरा धनिया को ख़राब कर देता है। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2 किलो के करीब जो है वो भिंडियाँ थी, इनको मैंने धो लिया था। उसके बाद एक एक भिंडी को मैंने इस तरह से साफ़ किया था, इसके अंदर पानी नहीं लगा रहने देना है, और इसको मैंने इस तरह से काट लिया था। ये आधी मैंने जो है वो भिंडी गोश्त के लिए काट ली थी, आधी मैंने जो है वो भुजिया के लिए काट ली थी। ये भी मैं तकरीबन जो है 2 से 3 महीने तक इसको स्टोर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं लेस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने भिंडियों को काफ़ी अच्छा ड्राई कर लिया था। तो जी यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग, और उम्मीद करूँगी कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में मुझको याद रखिएगा। उम्मीद करूँगी कि दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।